Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जिनकी भी रात को पिंडलियों की, यानी कि पैरों से ऊपर जो जगह होती है, पिंडलियों की नस पे नस चढ़ जाती है, जो कि शायद रात के टाइम जब चढ़ती है, मोस्टली रात के टाइम ठंड के कारण या फिर नसों की कमजोरी के कारण ऐसा होता है, वो 2-2.5 मिनट नसों में खिंचाव फील होता है, पिंडलियों में दर्द फील होता है, और सुबह उठने पर उसमें खिंचाव, दर्द, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें, ऐठन फील होने लगती है. तो आज इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि ये नस पे नस नहीं चढ़े वो रात के टाइम वाली, तो उसके लिए आपको क्या करके सोना चाहिए. जिनकी भी नस पे नस चढ़ती है पिंडलियों की, तो उन्हें क्या करके सोना चाहिए, और जब चढ़ चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट आप 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो नस चढ़ चुकी है उसके लिए क्या करना है. आपने अपने हाथ की मिड फिंगर लेनी है. मिड फिंगर जहां पे नाखून खत्म होता है और स्किन स्टार्ट होती है, वहां पे एक्सरसाइज प्लस मसाज एक फिंगर से आपने एज ए एक्सरसाइज और मसाज एक साथ करनी है. ऐसा करने से नस पे नस चढ़ी हुई ठीक हो जाती है. इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि अब वो इलाज जो नेक्स्ट इसके साथ आपने कर सकते हैं कि अगर नस पे नस चढ़ चुकी है तो क्या करना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे कि नस पे नस नहीं चढ़े उससे पहले पहले का इलाज क्या करने वाला है. आपको कान के नीचे जो पॉइंट दिया गया है, रेड पॉइंट, वहां पे भी आपने दबाना है, प्रेस करना है, यानी एक्यूप्रेशर विद मसाज, इसी में भी यही करनी है. ऐसा करने से भी नस पे नस चढ़ी हुई 1 मिनट में ठीक हो जाती है और एंठन और स्वेलिंग भी नहीं आती. इसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट की कि हम ऐसा रात को रोज क्या करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो. ये इसके लिए सिर्फ आपको 30 सेकंड टू 40 सेकंड ही चाहिए. जहां पे ये एरो की पिन है, यानी हमने हाथ को सीधा करा, सीधा करके टेढ़ा कर लिया बाजू को. बाजू को टेढ़ा करने के बाद जो सेंटर के सेंटर वाली जगह है और जहां पर एरो का पॉइंट आ रहा है, यानी कि जहां पर ये गोल राउंड का बीच वाला हिस्सा जो हमारी स्किन का आ रहा है, एरो का पॉइंट विद गोल राउंड के बीच की जितना भी पार्ट आ रहा है उसे आपने दबा कर सोना है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए. अगर आप 30-40 सेकंड के लिए इसे हमेशा दबा कर सोते हैं तो नस पे नस जिसकी पिंडलियों की चढ़ती है वो कभी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि ये हमारे नर्व सिस्टम का एक पॉइंट है जिसे दबाने से ये नस पे नस नहीं चढ़ती. ये थी एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके द्वारा, जिसे करके आप उसको पहले ठीक कर सकते हैं, बिना नस पे नस चढ़े ही नहीं. इसके अलावा आपको हील नहीं पहननी चाहिए, और जिस पे जिसकी नस पे नस बहुत ज़्यादा चढ़ती है उसे अपने बाजू को दबाने के साथ साथ अपने पैरों के नीचे तकिया लेके भी सोना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेटर रहे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें. मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, बाय.